नमस्कार मालानी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति की जो क्लास है जिसमें दुर्ग के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के अंदर है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, कब करवाया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये बीकानेर का किला, जूनागढ़ दुर्ग को ही कहते हैं बीकानेर का किला, इसे जमीन का जेवर कहते हैं। इसका निर्माण 1594 के अंदर यानी 1594 में महाराजा राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करम सिंह की देखरेख में करवाया था। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और राव बीका की जो टेकरी है उस टेकरी के ऊपर इस लघु दुर्ग का निर्माण हुआ है। तो इसी दुर्ग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। देखिएगा जूनागढ़ दुर्ग, इसमें हमने लिखा है कि बीकानेर का किला, इसे कहते हैं, इसे ही कहते हैं जमीन का जेवर। और इसे इसका जो निर्माण हुआ 1594 में महाराजा राय सिंह ने अपने प्रधानमंत्री करम सिंह की देखरेख में करवाया था। और राव बीका की टेकरी जिसे लघु दुर्ग कहते हैं, जो ये बीकानेर का दुर्ग है, ये दुर्ग जिस दुर्ग पर बनाया गया था वो राव बीका की टेकरी एक लघु दुर्ग बना हुआ था, उसी के ऊपर इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए इसे जूनागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और ये चतुष्कोण आकृति में बना हुआ है और इस पर जो बुर्ज बने हुए हैं वो 17 बुर्ज बने हुए हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक जो बुर्ज है वो 99 बुर्ज बने हुए हैं, वो तो है जैसलमेर दुर्ग के अंदर सबसे ज्यादा है और इसमें वो 17 बुर्ज बने हुए हैं। और मुख्य प्रवेश द्वार है वो सूरज पोल है और कर्ण पोल भी इसमें एक द्वार है। और प्रमुख महल है अनूप महल, अनूप सिंह ने बनवाया था। कर्ण महल कर्ण सिंह ने बनवाया था। गंगा सिंह ने गंगा निवास महल बनाया और लाल सिंह ने लाल निवास महल बनाया और सरदार सिंह ने सरदार महल बनाया। यानी कि ये इसके अंदर प्रमुख महल है। और जूनागढ़ जो दुर्ग है, इस जूनागढ़ दुर्ग यानी राय सिंह की जो प्रशस्ति, इसमें एक जूनागढ़ प्रशस्ति या फिर राय सिंह प्रशस्ति लगी हुई है जो संस्कृत भाषा में है और जिसके जो लेखक है वो जयंता लेखक है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि इसमें महाराजा राय सिंह ने जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई है, वो सूरज पोल पर लगवाई है यानी हाथी पर सवार मूर्तियां लगवाई है। अकबर ने अकबर के किले पर यानी कि आगरे का जो किला है वहां लगाई थी और इन्होंने यहाँ बीकानेर के किले के द्वार पर लगाई है। और महाराजा इस दुर्ग के बारे में कहा गया है पंडित दीनानाथ शर्मा के द्वारा। पंडित दीनानाथ शर्मा ने कहा है कि जो ये दुर्ग है यानी इस दुर्ग की जो दीवारें हैं वो दीवारें हमने सुना है कि काश हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, मगर हमने सुना है दीवारों के कान होते हैं ऐसा सुना है, लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। तो यहाँ की दीवारें इस प्रकार से बनी हुई है कि यहाँ दीवारें बोलती है, दीवारों के कान होते हैं ऐसा सुना है, लेकिन यहाँ की दीवारें बोलती है। तो इस प्रकार का जो ये दुर्ग है बहुत ही अभेद्य दुर्ग है और देखने में बहुत ही कलात्मक दुर्ग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिएगा राव सिंह का चंदन का सिंहासन, यानी कि ये बीकानेर जो राज्य है, बीकानेर राज्य की स्थापना की थी राव बीका ने। राव बीका है वो राव जोधा के ज्येष्ठ पुत्र थे और उन्होंने बीकानेर की स्थापना की। तब इन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं 14 प्रकार की मुझे वस्तु चाहिए आपकी। तब इन्होंने कहा कि आपको जो चाहिए लेके जाओ। तब उन्होंने राव बीका ने कहा जब आपकी मृत्यु होगी उसके बाद मैं लेने के लिए आऊँगा। और उनकी मृत्यु के बाद में आते हैं, फिर झगड़ा होता है और झगड़े के साथ में इनके छोटे भाई और इनके मध्य झगड़ा होता है और फिर इनको हरा करके 14 प्रकार की वस्तुएं लेके जाते हैं। यानी कि उनका राव भाई राव सिंह का चंदन का सिंहासन है, तलवार है उनका, उनकी जो वस्तुएं थी और ये जो नागनेशी माता का मंदिर है और ये और भी मूर्तियां थी नागनेशी माता की वगैरह, ऐसा करके 14 प्रकार की वस्तुएं वो लेके आए थे बीकानेर के अंदर। आज भी सुरक्षित पड़ी है बीकानेर के, ये चंदन का सिंहासन जोधपुर से लेके गए थे। और नागनेशी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर भी बना हुआ है जो आराध्य देवी है करणी माता बीकानेर के शासकों की। और एक लक्ष्मीनाथ का मंदिर है, लक्ष्मीनाथ जी है वो इनके कुल देवता है। और ये दुर्ग हिंदू एवं मुस्लिम शैली में निर्मित है क्योंकि ये इन्होंने मुस्लिमों जो मुगल शासक थे उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसलिए जो उसके बाद में ये दुर्ग बनाया है। तो जो शैली कौन सी होगी, जो शैली होगी वो हिंदू और मुस्लिम दोनों मिक्स में थी। और राजस्थान का प्रथम दुर्ग है जिसमें सर्वप्रथम लिफ्ट लगाई गई है, ये कैसा प्रथम दुर्ग है जहाँ लिफ्ट लगाई गई है। और यहीं पर लुईजी तेसिदोरी का संग्रहालय बना हुआ है और यहीं पर दलेर निवास महल है और एक महाराजा गंगा सिंह का हवाई जहाज भी इसी दुर्ग के अंदर है जो फेमस है, महाराजा गंगा सिंह का हवाई जहाज। और इसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर है
जिसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह ने करवाया है। और हिरण्यगर्भ गणपति पूछे तो बीकानेर दुर्ग के अंदर है निर्माण मंदिर, और सिंह पर सवार है, एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान गणेश जी है वो सिंह पर सवार है। और जो 33 करोड़ देवी देवता है, ये देवी देवता का मंदिर एक साथ में बनाया गया, क्योंकि ये दक्षिण भारत में जाते हैं, औरंगजेब का अत्याचार ज्यादा था और औरंगजेब ने यहाँ पर आक्रमण किए थे और उसके तहत वो मंदिरों को तोड़वा रहा था, तो इन्होंने सारी मूर्तियां हैं वो मूर्तियां यहाँ लेके आ गए और इसी मंदिर के अंदर क्या की इन्होंने स्थापना कर दी। यानी भूल गए कौन सी मूर्ति का क्या नाम है। बाड़मेर जिले के अंदर एक नागनेसी माता का मंदिर है, वो भी जो मूर्ति लाई गई है वो राय सिंह के द्वारा लाई गई। राय सिंह दक्षिण भारत में गए थे और मूर्तियां लेके आए। तो आज हम इतना ही अध्ययन करेंगे, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में विस्तृत जानकारी अध्ययन की है। मालानी क्लास के प्रति अपना प्रेम बना करके रखें, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। Thank you.